शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चोपड़ा, अरे चोपड़ा। सब 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 नहा रहे हैं। क्या नहा रहे हैं? सब नहा रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं हमेशा समझता था कि तुम सिर्फ मुझसे नफरत करते हो। पहली बार पता चला तुम्हें किसी से प्यार नहीं है। सपना, तुम्हारी इकलौती बेटी किडनैप हो गई और तुम यहाँ आराम से नहा रहे हो। तुम होश में तो हो? अरे होश में तो अब आया हूँ। वो देख रहा जो पहले कभी नहीं देखा। ये आलीशान बंगला, करोड़ों रुपए, इकलौती बेटी। जिन लोगों ने सपना को किडनैप किया है ना, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। उनको पैसे नहीं मिले तो इसका मतलब है कि सपना को सचमुच किडनैप कर लिया। तो क्या आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैंने सोचा कि आज 1 अप्रैल है तो अप्रैल फूल। हाँ, अरे फूल तो मैं हूँ जो मैंने आपको फोन किया मिस्टर राजीव चोपड़ा। मेरी सपना अगर मेरी सपना को कुछ हो गया ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन 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 ये लोग हैं कौन? तुम नहीं जानते हम कितने खतरनाक लोग हैं। मैं हूँ खालिद मोहम्मद और ये सुल्तान अहमद। हमारा नाम तो सुना ही होगा तुमने। नहीं। क्यों, अखबार नहीं पढ़ती क्या? पढ़ती हूँ। क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया। ओ, मतलब पंजाब केसरी नहीं पढ़ती? हाँ। देखो, तुमको मालूम नहीं है मेरे डैडी बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को जानते हैं। हम पुलिस से नहीं, पुलिस हमसे डरती है। पुलिस के साथ हम चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं। पुलिस हमारे लिए चूहा है और हम बिल्ली। मेरे कहने का मतलब? तो कुछ मत कह, तो चुप रह, नहीं तो तेरा गला दबा देंगे। नहीं नहीं, आप लोग जो कहेंगे मैं सब करूंगी। मुझे कब तक रहना होगा? जब तक तेरा बाप पूरे पैसे नहीं दे देता। लेकिन लेकिन मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं है पहनने के। तू क्या पिकनिक मनाने आई है क्या? अब ज्यादा आवाज किया तो। अबे दबाओ जोर से, साले खाना नहीं खाते क्या? असलम भाई। हाँ। ये रहा आज का कलेक्शन। हाँ तो पेटी में डालना। असलम भाई, वो बैंगनवाड़ी का ज्वेलर सेट है ना, उसने आज का हफ्ता नहीं दिया। दो छोकरे बेच के गला उठा के ला, उठा के ला उसको। ठीक है भाई। भाई अली लाला है। सलाम वालेकुम असलम भाई। कह रहे तेरे को बुलाना पड़ता है क्या? वो मैं वो पिक्चर देखने गया था ना, शक्ति। तो अमिताभ बच्चन को देखा, आपकी बहुत याद आए भाई। क्या काम किया उसने पिक्चर में, फर्स्ट क्लास। वो क्या काम किया, यूसुफ ने उसको खुला खा लिया। यूसुफ भाई, ये कौन सा भाई? अरे दिलीप कुमार यार, कच्चा खा गया लंबू को। हाँ हाँ हाँ, बराबर बोला भाई। अरे दिलीप कुमार के सामने तो अमिताभ बच्चन था ही नहीं, नजर ही नहीं आया। ऐसी बात भी नहीं है यार, अमिताभ बच्चन भी अच्छा एक्टर है। लावारी, शराबी, दीवार में उसने भी सॉलिड काम किए ले, उसके टक्कर का कोई है भी नहीं आज। हाँ भाई। नहीं नहीं, है ना भाई? कौन है? आप हो ना भाई? क्या बात कर रहे हैं, मैं और एक्टिंग। एक प्लेट कबाब ला रहे भाई? सच बोल रहा हूँ मैं, आप फर्स्ट क्लास एक्टर हो। अरे छोड़ना यार, मेरी एक्टिंग कौन देखेगा यार। कैसी बातें कर रहे भाई, हम लोग है ना, हम लोग देखेंगे ना। आप थोड़ा दिखाई ना भाई, थोड़ा। अरे हल्का सा प्लीज भाई, थोड़ा सा। अरे क्या बात कर रहे प्लीज भाई, भाई प्लीज थोड़ा दिखाओ। हाँ चलो मुंडी और घुमाए, चलो मुंडी पलटे तो दुपट्टा डालूंगा तुम्हारी। क्या एक्टिंग कोई माँ के पेट से सीखते नहीं आता है, यहाँ से आता है। अभी ले ले हीरो, खुशी में उसकी एक्टिंग अलग होती है। रोमांटिक लड़की के साथ विलन, अबे चाटा ये पकड़ लिया, घुपत घुपत, ये घुटना, ये टक्कर तेरी तो यार। हीरोइन को लिया, चला गया। फिर इमोशन, इमोशन इमोशन एक ही बात है, मतलब माँ मर रही है, माँ मर रही बेटर हो रहा है। माँ मत मुझे छोड़ के मत। आंसू आ रहा है, अभी आएगा। माँ अरे तूने मुझे जन्म दिया है, वाह
अकेला छोड़ के जाएगी मुझे। आ गया दी, पैर उधर भी आएगा। माँ, अरे नो, मैंने पेट पे तुझे मुझे रखी, नो मैंने, और छोड़ क्यों मुझे? ये देख आना ना, आना ना। मच्छा बम, मच्छा। ये देख, हाँ आ गया। ज्यादा आंसू नहीं आने चाहिए, फिर और एक्टिंग हो जाएगी। हाँ बरोबर बरोबर। हाँ वाह, तू कौन है? कपूर, आज कपूर। राज कपूर? वो तो थे, कल, आज, आज कपूर। वैसे लोग मुझे नहीं जानते, मैंने जिन लोगों को बनाया लोग उन्हें जानते हैं। गोविंदा को विरार से कॉल लाया। एक चीज समझ में नहीं आती, तू इतना बड़ा आदमी है तो ऐसी जगह क्या कर रहा है? हीरा कहाँ मिल रहा है? हाँ, कोयले की खान में। ऐसा हीरा ढूंढने के लिए ऐसी जगह आना पड़ता है। नहीं, सपना को गोली मत मारना। क्या बोल रहा है? बोलता है गोली मत मारो, लगता है उसका ससुर वहीं पे खड़ा है। सुल्तान भाई, ऐसा मत करो। खालिद मोहम्मद। ओ खालिद भाई, प्लीज ऐसा मत करना। अच्छी एक्टिंग करता है तू। ए, पूछना बीवी की याद आ रही कि नहीं? तुझे तेरी बीवी याद आ रही है? हाँ। नहीं, सपना के हाथ मत काटिए, सपना के हाथ मत काटिए प्लीज। मैं आपके हाथ। हेलो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मैं पूछता हूँ कितना पैसा चाहिए तुम्हें? चुप रहा। कौन है मैं? तो मैं कौन हूँ? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? देखो, अगर हमें अपने पैसे टाइम पे नहीं मिले तो हम तुम्हारी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या? नेक्स्ट टाइम तू अपन और प्रकाश के बीच में आया ना, तो तेरी बेटी के लाश जू बीच पर मिलेगी। हेलो, टाइम पास बहुत हो क्या अभी तेरा? आपको कितने पैसे चाहिए? भूल गया क्या? 25 तेरे, 25 हमारे, पूरे 50 लाख। ओके, एक करोड़ मांग रहे हैं। एक करोड़? हेलो। हेलो, आईजी ऑफिस? अभी आईजी ऑफिस में फोन किया है तो यहाँ की घंटी बजेगी ना, दूसरी जगह की थोड़ी बजेगी। प्लीज बंटी को फोन दो। बंटी? कौन बंटी? अरे बंटी, बद्रीनाथ, तुम्हारा आईजी, उसको फोन दो। यस सर, साहब को फोन देता हूँ सर। आप कौन साहब बोल रहे हैं सर? पिंकू बोल रहा हूँ, पिंकू। पिंकू? कौन पिंकू? तुम फोन देते हो कि नहीं? हाँ, यस सर, यस सर। सर, हाँ बोलो। आपके लिए किसी पिंकू साहब का फोन है। पिंकू? अच्छा, लाइन दो। यस सर। आईजी बद्रीनाथ स्पीकिंग। बंटी, बंटी, मैं पिंकू बोल रहा हूँ। पिंकू? पिंकू, पिंकू। अबे पिंकू तू है? अबे तू है किधर है? बंटी, बंटी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया हूँ। हाँ बेटा, मुझे पता है मुसीबत में नहीं पड़ता, तू मेरे को फोन थोड़ा ही करता। 5 साल में एक बार भी फोन किया तूने? पहले तू आके मिल मुझसे। अरे नहीं, अरे नहीं बंटी, मेरी मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया। सप्पू को? हाँ, सप्पू को। और उन्होंने धमकी दी है कि अगर मैंने पुलिस में खबर दी ना तो वो सप्पू को मार डालेंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा सप्पू को। लेकिन बंटी, मैं कह रहा हूँ ना पिंकू, कुछ नहीं होगा सप्पू को, मैं हूं ना। तो ये बता, ये सब हुआ कैसे? हीरो बनने के दो तरीके, टेंग टेंग टेंग, जूनियर आर्टिस्ट, छोटे मोटे रोल, फिर हीरो। मिथुन चक्रवर्ती, या फिर डायरेक्ट स्टार, कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन। अब क्या करने का तुम ही सोचो। क्या ऋतिक रोशन? हाँ, तो 25-30 लाख रुपए लगाओ और खुद का पिक्चर निकालो। इतने में हो जाता है? बाकी का पैसा भाई से ले लेगा ना। भाई कौन? अरे अपने जामू भाई, आधी से ज्यादा हिंदी फिल्मों में उनके ही पैसे लगते हैं। अपने खास आदमी है। 30 लाख तुम्हारा, 70 लाख भाई का, फिल्म बन जाएगी 80 लाख में, नेट प्रॉफिट 10 लाख। मेरे कितने पैसे? 30 लाख जामू के।
70। पिक्चर कितने बनेगी? 80। तो प्रॉफिट 20। सॉरी अकाउंट मिस्टेक। असलम से गेम नहीं खेलने का क्या? 30 लाख रुपया। अभी क्या करना पड़ेगा? ऑफिस खोलना पड़ेगा। पड़ेगा, हमारे पास 10 रुपए भी नहीं है, अब क्या करें? 10 रुपए क्यों चाहिए? अरे इसे कुछ खिलाना है कि नहीं? हम दोनों को तो भूखे रहने की आदत हो गई है। प्रकाश से एडवांस मांगना होगा। तू प्रकाश से 10 रुपए मांगेगा? अरे 10 नहीं 2-4 हजार मांग लेंगे। राहुल तू पागल तो नहीं हो गया? तू प्रकाश से एडवांस मांगेगा वो हमें सड़क छाप गुंडा समझेगा, सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। करेक्ट, एक ही रास्ता है। क्या? असलम भाई। असलम भाई? हाँ। पिछली बार के पैसे तूने लौटाए? नहीं। तो उसकी चिंता मत कर, प्रकाश से पैसे मिलते ही मैं असलम भाई का सारा अकाउंट क्लियर कर दूंगा। अरे तुम लोग बोल तो रहे हो मगर ये थोबड़ा चलेगा क्या? 100 डेज चलेगा भाई, ऐसा चेहरा मार्केट में नहीं है। अरे जो अलग दिखता है वही आजकल बिकता है। मैं समझा नहीं यार, तू क्या बोल रहा है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, शाहरुख होने के बाद भी पब्लिक ऋतिक को क्यों पसंद करती है? क्यों? क्योंकि आदमी पुरानी चीजों से उगता जाता है और नई चीजों से उठता जाता है। मतलब ऋतिक से उसे वो सारी चीजें मिल जाती है जो शाहरुख से नहीं मिलती। चेंज, रेंज, आइटम, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ यार, पब्लिक शाहरुख की फिल्म से ज्यादा ऋतिक की फिल्म क्यों देखते हैं? राइट। मिठास दोनों में है भाई, मिठास दोनों में है। शाहरुख शक्कर है तो ऋतिक गुड़। आजकल पब्लिक को गुड़ चाहिए और तुम गुड़ हो भाई। भाई तुम गुड़ हो। अरे गन्ने वाला गुड़ भाई। हाँ गन्ने वाला गुड़ रे। ठीक है भाई। नहीं मैं समझ गया, यानी कि पब्लिक पुराने चेहरों से पक गई ली। हाँ, उनको चाहिए नया चेहरा। राइट भाई, पब्लिक ने हीरो को भाई बनते बहुत देखा, अब पब्लिक भाई को हीरो बनते देखेगी। कभी नारियल फोड़ रहे ला? क्या? अरे स्टार्ट कभी कर रहे ला, बोलना यार। स्टार्ट। असलम भाई। क्या स्टार्ट हो रहा है भाई? भाई है ना स्टार बन रहे। क्या बात कर रहा है, मुबारक हो भाई। लेकिन ऐसे ही सूखे सूखे। अरे तो ए काले, अबे गोरा हो गया क्या तू? नहीं तो फिर जोर से बोलना। चट्टी के पास एक बक्सा बियर लेके आ। चल क्या छी, ये कौन सा पिज्जा है, कहाँ से लेकर आए? क्यों, बाजू वाली दुकान से? बाजू वाली दुकान? मैं तो सिर्फ डोमिनोज का पिज्जा खाती हूँ। बहुत बोल रहे लिया तू, अपन का तो होटल है। अबे लगता है इसका वही छाल करना पड़ेगा जो मीना, नीना, टीना और रीना का किया था। सुल्तान इसके हाथ काट डालते हैं। नहीं बाल काट देते हैं। नहीं हम भाई हैं। नहीं नहीं ओके तो साली का नाक काट देते हैं। कौन? गाल। गाल काट देते चाकू तो हटाना। नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन चिल्ला मत। ऐसे देख रही है जैसे मेरे को खा जाएगी भूखी जो है। राहुल। अंजलि। राहुल मैं देखता हूँ। क्या हुआ? क्या ये क्या है? झाड़ू झाड़ू मारा था मैंने, किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनी। लड़की? हाँ हाँ हाँ, वो हरी की गर्लफ्रेंड आई है। हा? वो बाहर अपने गैंग का मेंबर आया है, गर्ल गैंग बोले तो लेडी किलर। लेकिन वो चिल्ला क्यों रही थी? उसके डैडी मर गए हैं। ओ और तुम्हारे डैडी? क्या मेरा मतलब था वो नीचे है। हाँ तो जल्दी जाओ नहीं तो वो भी चले आएंगे ऊपर। हैरी ने कहा था कि तुम मुझे फोन करने गए थे। फोन? हाँ किया तो था लेकिन तुम्हारे डैडी ने फोन उठाया। ओके ए सुन, अब क्या है? भड़कता क्यों है? थोड़े दिन तो बचे हैं, तेरे काम का कुछ हुआ? हो रहा है, हो जाएगा, अब तुम जाओ। बाय। देखिए काल ये काल है, अंदर दो बेडरूम है, ऊपर दो बेडरूम है, छोटा सा किचन है, छोटी सी बाथरूम है और दो तीन रूम है बस। सर ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए,
इसमें से कोई कलर चूज कर लीजिए और मुझे बता दीजिए, मेरे आदमी काम शुरू कर देंगे। लेकिन सस्ते में चाहिए, एकदम रीजनेबल रेट में हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। क्या कर रहे नाना? पेंटिंग लम्मा। पेंटिंग क्यों? तेरी शादी है ना, उसे राउड़ो। नाना आपने राहुल से प्रॉमिस किया था ना कि अगर वो एक महीने में, वो कोशिश कर रहा है ना नाना। मैं भी तो शादी की तैयारी करना है ना, अगर राहुल कुछ कर सके तो शादी उससे होगी, नहीं तो दूसरे से होगी। ठीक है ना नाना? तुम्हारी सामान लेके बाहर फेंक देना, कल से ऊपर पेंटिंग शुरू कर रहा हूँ, समझे? ठीक है। ठीक है लट साल जी। राहुल। हाय अंजलि। राहुल नाना ने जैसे तुमसे बात किया। अरे अपने ससुर की बात का बुरा कौन मानता। अच्छा लेकिन तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? मिल जाएगी। कब? जब नाना मेरी शादी किसी और से कर देंगे तब? उससे पहले। राहुल वक्त बहुत कम है। पता है, फिर मैं और तुम एक साथ हमेशा के लिए। राहुल मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं तू कैसे करेगा, कब करेगा। डार्लिंग लव के लिए कुछ भी करेगा। इंडिया गेट? अरे वो तो दिल्ली में। इंडिया गेट? गेटवे ऑफ इंडिया। ओ गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे कैसे ला रहा है? मेरे पास एक ब्राउन ब्रीफकेस है। 500 के नोट है ना? मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है, जो भी है तू फटाफट लेकर आ जा। ठीक है। डैड किधर गए? साहब तो चले गए। चले गए? तू ये सिगरेट पीना बंद कर, तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है तो तू साथ लेना बंद कर दे ना। हैरी भगवान ने तुझे अच्छी शक्ल तो नहीं दी है, कम से कम अच्छी बात तो कर लिया कर। हाँ हाँ तेरा फेस तो कमाल है ना, तू फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई मारता? हाँ ट्राई क्यों नहीं मारता साहब? वही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे साहब मैं बोला कुछ मांगता है क्या साहब? टाइम क्या है? टाइम तो बहुत अच्छा है साहब, बोले तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कॉलेज में पढ़ने वाली से लेकर ऑफिस में काम करने वाली तक एक से एक झकास आइटम मिलेगी साहब। क्या बोलता है? क्या मिलेगी? छकास आइटम साहब, छकास आइटम। नहीं मांगता है? अरे साहब किसको नहीं मांगता है, शर्माने का नहीं साहब, एक फ्रेश पीस आया है, नो टच। इसने बोला नहीं मांगता है? लगता है दोनों का आपस में ही सेटिंग है। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं साहब।